मेरा नाम अक्सा लतीफ़ है, मैं बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स में सर्व कर रही हूँ एज अ सब इंस्पेक्टर। स्टेज आती है कि जब इंसान को होता है कि नहीं यार मुझे कुछ करना चाहिए, बनना चाहिए, जब मेरे पे वो वक्त आया तो मेरे भाई साहब को ऐड मिल गया, नहीं जी बस रेंजर्स में जाना है तो बस जाना है, कुछ भी हो बस इधर करना है। मेरा नाम नादिया खान है, मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ और मेरी सर्विस 5 साल होने वाले हैं और मेरा रैंक सिपाही है। बेसिकली जब हम लोग इधर आए तो वही बात आ जाती है कि कोई पता नहीं था क्या उधर जाके करना है क्या नहीं करना है, जब टेस्ट देने के लिए जाना है तो क्या तैयारी होनी चाहिए। और मज़े की बात यह, मैं इतनी लंबी हील वाला जूता पहन के आई थी, मैंने कहा चलो जी इंटरव्यू है, अगर बंदा सही अच्छा बन के जाता है पता चले कोई इंटरव्यू देने के लिए आई है तो मुझे क्या पता था इधर आके मेरी इतनी बुरी हालत हो जानी है। टेस्ट हुआ लेकिन जब रनिंग की बारी आई मैंने अपना जूता देखा इतनी लंबी हील वाला, मैं हो गई परेशान, मैंने कहा अब क्या किया जाए, क्योंकि शूज़ तो उस वक्त सबको चाहिए थे। मैंने फिर नंगे पांव रनिंग की और उस नंगे पांव रनिंग में मेरे पांव में पत्थर कांटे इतने चुभे कि मैं रुक गई, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, 1 माइल करवाई थी इन्होंने रनिंग, तो उधर एक भाई साहब खड़े हुए थे हमारे फौजी, तो उन्होंने मुझे हौसला दिया, शाबाश जवान थोड़ी सी मंजिल रह गई है, करीब है मंजिल, मैंने कहा बस अब कर जाओ पार। वो 3 माह फिर जैसे तैसे हमने गुजारे, जो थी वो नहीं रही, अभी वो एक नई चीज़ मतलब सामने आ गई है, बिल्कुल इस तरह नहीं थे, सोच इस तरह नहीं थी, कुछ भी इस तरह नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया, ना इतना कॉन्फिडेंस था बात करने का ना मिलने का स्पेशली फिर, और सबसे बड़ी बात के रहना मर्दों में है, लेकिन ये शुक्र है कि इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। बस फिर जब आ गया इनका फ़ोन आ गया कि आप आ जाएँ, तो मैंने तो पहले से तैयारी की हुई थी, वो सूट लेके जाना वो जूता लेके जाना, माइंड सिविल जो होता है ना और फोर्स का माइंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यूनिफॉर्म पहनना पता ही नहीं है कि क्या करना है, जैसे बंदा पेपर में नकल नहीं मारता वैसे, अच्छा उसने ऐसे बंद किया था वैसे, फिर इन लोगों ने हमारे साथ बड़ा किया कि तुम लोगों ने ये शूज़ ऐसे बंद करने हैं, ये सैश के ऊपर ऐसे ये रैंक्स और पिंस वगैरह ऐसे लगानी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, टर्न आउट आपका ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला वाकई ये कि यार ये किसी फोर्स का हिस्सा है। कोई भी काम हो 5 मिनट में रेडी, लड़कियां होती हैं देर लगाती हैं लेकिन हम में इतनी अब हो गई है फटाफट रेडी, बस जल्दी से तैयार हो जाओ। तो मुझे कहा गया कि आपने गेम खेलनी है हॉकी, इतना जज्बा आ जाता है एक गोल के पीछे, इतना जोर लगाना गोल हो जाए बस गोल करना है, या इसी तरह बड़ा अच्छा लगता है। शाम में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं, कुछ लूडो खेलते हैं, कुछ सॉन्ग सुन लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, इकट्ठी लड़कियां वॉक कर लेती हैं एक दूसरे के साथ, मजाक और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लूडो में मेरी लड़ाई बड़ी में अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। फ्यूचर प्लान मेरा तो यही है कि मैं शादी के बाद कंटिन्यू नहीं करूँगी जॉब को, वो डिपेंड करता है कि आगे किस तरह के आपको माहौल मिलता है, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। जॉब नहीं छोड़नी चाहिए और मेरा भी यही प्लान है, मैं करूँगी जॉब, छोड़नी नहीं है जॉब, क्योंकि जिस तरह का मेरी फैमिली है उन्होंने मुझे इतना प्रेफर किया है कि लड़की को करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि वो कल को ये खुदा ना खास्ता कोई भी आप पे वक्त आ जाता है। 2.5 साल की सर्विस है JCP की, वाघा की और कसूरकंडा सिंह बॉर्डर की, इतना होता है कि यार खुदा ना खास्ता, मतलब स्पेशली जब ये थ्रेट मिल चुका होता है वार्निंग थ्रेट कि हाँ जी इन जगह भी ये डेंजर जोन है, यहाँ पे ये मसला चल रहा है, लेकिन वो जाहिर जब यूनिफॉर्म पहनी हो तो फिर इस चीज़ का वैसे ही वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंसान में इतना आ जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है क्योंकि ये तो शहादत की मौत है ना, ये तो किसी किसी को मिलती है, तो इस चीज़ से बड़ा ऑनर और बहुत अच्छा फील होता है।